गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक चटपटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि एक साइड डिश है, जैसे कि रोटी पराठा या भात के साथ ये एक चटपटी सी आइटम है जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। एंड ये एक मिर्ची से बना हुआ एक चटपटा सा आइटम है, आप इसे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। सर्दी के मौसम में जो मोटे मोटे वाले मिर्च मिलते हैं उससे हम ये वाला डिश प्रिपेयर करते हैं। लेट्स सी मैं इसे कैसे बनाती हूँ। एंड गाइस ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सो योर काइंड एंड सपोर्ट टू माई चैनल। लेट्स सी मैं इसे कैसे बनाती हूँ। एंड इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम पहले देखें। यहाँ पे मैंने ये जो छोटे छोटे थोड़े से मोटे वाले मिर्च रहते हैं तीखे वाले, उसको मैं अच्छे से धो के साफ करके बीच में से कट लगा के रखी हूँ। इसलिए कट लगाई हूँ क्योंकि मिर्ची फ्राई जब होता है वो फट जाते हैं एंड उसके अंदर अच्छे से भी मसाला सब चला जाए, इसलिए भी कट लगाई हूँ। यहाँ पे दो बड़े टमाटर को काट के रखी हूँ जो थोड़े से कच्चे थे टैंगी टेस्ट लाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा लहसुन को छिल के रखी हूँ, दो बड़े चम्मच जीरा रखी हूँ, दो बड़े मीडियम साइज़ के नींबू उसको मैं यूज़ की हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच राई रखी हूँ, देख सकते हैं, और थोड़े से यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया पत्ता रखी हूँ। ये जो मिर्च मैं ली हूँ ये लगभग 200 ग्राम तक है, देख सकते हैं। अभी मैं मिर्च को फ्राई करने के लिए प्यान में एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लूँगी, देख सकते हैं। गैस को हाई फ्लेम करके मिर्च को डाल दें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के 2 से 3 मिनट तक उसको फ्राई करें। उसके ऊपर एक वाइट कलर का परत आ जाता है, अच्छे से उसके ऊपर वो वाला परत आ जाने के बाद उसको एक प्लेट में निकाल दें, देख सकते हैं। अभी मैं एक बड़ा चम्मच फिर से मस्टर्ड ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और बचा हुआ जीरा मस्टर्ड सीड एंड जो लहसुन ली थी उसको मैं पेस्ट प्रिपेयर करूँगी। अभी मैं कटा हुआ टमाटर को डाल के अच्छे से फ्राई कर दूँगी, ढक के धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक कुक करें, देख सकते हैं। टमाटर अच्छे से गल गया है, उसको चला दें धीमी आंच करके, उसमें जो मस्टर्ड पेस्ट बना था उसको डाल दें। अभी उसमें आधा ग्लास बराबर पानी डाल के उसमें हल्दी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अभी मैं उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और उसको अच्छे से चला के ढक के 2 से 3 मिनट तक कुक करूंगी धीमी आंच में, देख सकते हैं। 3 मिनट बाद उसको निकाल के देखें कितना सुंदर कलर आ रहा है और मसाला सब तेल भी छोड़ दिया है। उसको अच्छे से मिक्स करके अभी उसमें सारे जो मिर्च फ्राई होके रहा था उसको डाल दूंगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रेश धनिया पत्ता रखी थी उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। अभी 3 से 4 चम्मच बड़ा के लगभग तो उसमें पानी डाल दें, उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के 1 से 2 मिनट तक कुक करें, देख सकते हैं धीमी आंच में उसको अच्छे से मिक्स कर दें निकाल के और गैस को ऑफ कर दें। अभी देख सकते हैं अभी ये 2 नींबू का रस उसमें हमको डालना है, देख सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दें, देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दें। अभी ये बन के रेडी है। आप ये डिश गाइस घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लगा। आप ये सब ये जो डिश है आप रोटी पराठा राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।